अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ असम कमाल। हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री के इंट्रो के बारे में कुछ पढ़ा, उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में हमने कुछ मालूम हासिल की, और आज हम जो इसका नेक्स्ट लेसन है, चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर 1.2 है, उसके अंदर बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक्स डेफिनेशंस आम रूटीन के अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो आज समझने की कोशिश करेंगे। सो जो पहली डेफिनेशन है वो है मैटर। मैटर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी वो चीज, ऐसी कोई भी चीज जो वजन रखती हो, थोड़ा सा भी कुछ वजन हो उसका और जगह को घेरती हो, ऐसा पॉसिबल होगा? तभी कोई वजन किस चीज का होगा, तभी वो कुछ जगह को घेरेगी, उस सब को हम उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर का कोई ना कोई मैस है। अगर मैं इसको किसी जगह के ऊपर रखता हूं तो ये कोई ना कोई जगह घेरता है। इसी तरह हमारा जो जिस्म है, इट्स ह्यूमन बॉडी, ये भी एक एग्जांपल है। इस तरह कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट हैव मैस, जिसका कोई वजन हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह को घेरता हो यानी ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मैटर की हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हमारे बहुत सारी हर चीज ही ऐसी है जिसका कोई ना कोई वजन है और वो कुछ ना कुछ जगह को घेरती है। सो मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैव अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके अंदर मैटर की आगे मैटर जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर होता है और इम्प्योर फॉर्म के अंदर होता है। तो अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे बोलते हैं, या सब्सटेंस किसे कहा जाता है? मैटर की वो चीज, मैटर ऐसी, ऐसा मैटर जो खालिस हालत के अंदर पाया जाए, एक प्योर हालत के अंदर में पाया जाए, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस के उसके अंदर, उसके बाद सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फिजिकल जो बजाय उसकी नजर आती हैं या उसकी खसूसियात जो होती हैं बजाय तौर पर वो, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी कम्बिनेशन के अंदर, उसकी बनावट के अंदर और उसकी साख के रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। उसके बाद ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको हम समझते हैं। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी मैटर की जो है फिजिकल स्टेट से ताल्लुक रखती हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक वाइट बोर्ड मार्कर है, इसका कलर क्या है, ठीक है, ये इसकी क्या है, इसका कलर क्या है, ये कैसा लिखता है, ये किस चीज से, तो इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह टेस्ट, स्मेल और हार्डनेस, कि कोई चीज कितनी जो है वो सख्त है, तो ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड हैं। और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का जो डेफिनेशन है वो ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन। ये COM लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर कंपोजिशन, इसका मतलब है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस है उनका केमिकली जो कंबिनेशन होता है उसे हम कहते हैं जब उसके अंदर कोई तब्दीली आती है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम यूं लेते हैं, पानी हमारे पास है H2O, ठीक है। अब ये एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। वैसे तो ये दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। इसकी रेशियो 2:1 है, यानी दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। अब केमिकल चेंज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कि जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। अब ये देखिए, हम इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस हमारे पास होता है उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है।
व्हेन इट अंडरगोस केमिकल चेंज, जब इसके अंदर कोई केमिकल तब्दीली आती है, कीमियाई तब्दीली वकू पजीर होती है इसके अंदर, तो जैसे हमने पानी को गर्म किया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, एक तब्दीली आई, एक केमिकल तब्दीली आई, तो इससे हम क्या बोलते हैं, ये इसकी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसी तरह इसकी जो इट्स कंपोजिशन चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, अब अगर इसका उल्ट देखा जाए, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जैसे ही ये केमिकली 2:1 रेशो से मिलते हैं, इनकी कम्बिनेशन जो होती है वो 2:1 रेशो से मिलते हैं, तो ये पानी बन जाता है, तो ये भी तो एक केमिकल चेंज है। तो क्या होता है कि जैसे ही केमिकल चेंज आता है, उससे एक नई चीज बनती है, इसका जिस तरह पानी को अगर बॉइल किया जाए तो ये गैसेस में तब्दील हो जाता है, अब ये दो गैसेस बन गई हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। और ये इसने इसकी डेफिनेशन के अंदर कहा कि जब कोई केमिकल चेंज आता है, तो उससे जो नई चीज बनती है वो एक अलग होती है, उसकी खसूसियात पहले से डिफरेंस होती है। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पानी की स्टेट में थे, एक रेशो के साथ कंबाइन थे, तो इनकी स्टेट लिक्विड थी, जैसे ही इनको टेम्परेचर, इनको हाई टेम्परेचर पे या 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको जब बॉइल किया जाता है, तो क्या होता है कि ये गैसेस में तब्दील हो जाती हैं। हालांकि पहले भी ये दोनों गैसेस ही थी, जब कंबाइन होकर इसमें ये लिक्विड स्टेट के अंदर चली गई, और जब इनको टेम्परेचर दिया गया, हीट किया गया इसको, तो ये दोबारा गैस स्टेट के अंदर चली गई। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी हमारे पास मैटर की। उसके बाद सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एक सिंपल सा टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने कहा चलो बच्चों को इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए इनको, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, ये जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर, सब्सटेंसेस, ये पूरी बुक के अंदर जब तक आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहेंगे, उनके अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। तो जब बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, तो आपको नेक्स्ट इसके अंदर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारा 1.2 जो बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री का, 9th क्लास का हम सिलेबस जो अब कंटिन्यू कर रखा है हम लोगों ने, तो ये इसका सेकंड लेक्चर था 1.2 ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ तक ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर की जाने बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, मिक्सर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अभी हमारा जो है डेफिनेशंस का, जो डेफिनेशन वाला सिस्टम था, वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने जो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, अगर आपने वो हमारा जो लेक्चर नहीं सुना, तो आप हमारा एक YouTube चैनल है अजमत कमाल अमान के नाम से, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं मौजूद हैं। अगर आपने अब तक इसको, जो पिछले लेक्चर को नहीं सुना, तो आप लोग YouTube चैनल से भी हमारे लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।